नाना। क्या है? तू अभी तक सोई नहीं? क्या करूं नाना, नींद नहीं आ रही। नींद आती भी है तो सपने नहीं आते, और सपने नहीं आएंगे तो सोने में क्या मतलब है। हाँ, बहुत सही है, बहुत सही है। अच्छा नाना, ये बता, मैं क्या कह रही थी, वो जो होते ना, वो मतलब वो जो अमीर घर के लड़के पार्टियों में खाने से पहले लेते हैं बियर। नहीं रे बाबा, बियर नहीं, वो जो लेने से पुलिस आने का डर रहता है। हाँ, कोकेन। नहीं रे बाबा, कोकेन नहीं, ड्रग। अरे कोकेन और ड्रग तो एक ही बात है। ड्रग तो एक तरह का कोकेन ही होता है, उसका क्या? वो ड्रगों से ऐसे अपने बदन से खुशबू आती है क्या? क्या पता, आ भी सकती है। कोई A+ ग्रेड का महंगा ड्रग होगा। हाँ, हो सकता है ना। कैसे मतलब, कहाँ मिलते होंगे ये ड्रग? क्यों? ऐसे ही रहे, मैं वो तमिल पल्प फिक्शन पढ़ रही हूँ ना, नाना विल्ले उंडू गिल्ले, उसमें ना एक जनरल नॉलेज कॉन्टेस्ट है, अपने अपने शहर में ड्रग कहाँ मिलते हैं वो खोज निकालो। तुझे पता है कहाँ मिलते हैं ये ड्रग? मुझे आंसर लिखकर भेजना है। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, अपनी नदी है ना, नदी, हाँ, उस पर जो आखिरी पुल है ना, पुल, वो शमशान के पास, वहां पर हर रात एक आदमी खड़ा रहता है 2 बजे से 4 बजे तक, एक यूरोपियन आदमी, उसके पास होता है ये सब माल। मुझे अब इंसानों से कोई लगाव नहीं रहा मीनाक्षी, बदमाश, चोर, झूठे साले, सबके सब। वो सब तो ठीक है, पर अब तू आगे क्या करने की सोच रहा है? पढ़ाई वढ़ाई करनी है कि नहीं? कुछ काम करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। अब यही मेरा काम है मीनाक्षी, तू देखती जा कैसे मैं कुत्तों के लिए एक बड़ा सा घर बनाता हूँ। कुत्ता घर। उसमें ना 10-12 मंजिलें होंगी और कुत्तों के लिए सारी सुविधाएं। पहले तो मैं अकेला प्रोपराइटर रहूंगा, फिर प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे, तुझे भी शेयर्स दूंगा। फिर देखना मीनाक्षी, एक दिन हम अपनी कंपनी के शेयर्स का पब्लिक इशू निकालेंगे। फिर लंदन, हांगकांग, पेरिस, जहां देखो वहां अपनी ब्रांचेस होंगी। वो देख, क्या ये वही आदमी है? हाँ, शायद वही बेचता है ट्रक। घर चलना, मुझे नींद आ रही है। सुखना, अगर जंगल में एक ही तालाब है तो रात को पानी पीने सारे जानवर वही तो आते होंगे ना। जंगल, जानवर? हाँ, अब मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आ गया है इन जानवरों में। अच्छा, तेरे पास कितने पैसे होंगे? कुछ 100-110। क्यों? मेरे पास 200 है, ये ले जा। कहाँ जाओ?
अरे उस आदमी के पास जा और 300 का ड्रग ले आ। उससे पूछ कि वो ए प्लस वाला खुशबू वाला है क्या। जाना मीनाक्षी, तू सचमुच पागल हो गई है। हाँ पागल हो गई, चल चल यहाँ से, चल। अरे मैं थोड़ी ना लेने वाली हूँ, मुझे तो बस सुनकर देखना है, चल जाना। नहीं नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला, तेरा सर फिर गया क्या? तू चल चल यहाँ से, चल घर चल। बड़ा आया, अपने कंपनी का पब्लिक इशू निकालेगा, तरपो कहेगा। चल अपने सारे पैसे निकाल, मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे। ये ले ये ले ये ले। अरे ये रुमाल नहीं, पैसे दे पैसे दे रहा हूँ, ये ले। क्या है चिल्लर? ये मिस्टर, हाउ मच फॉर 300? आई क्या क्या चोरी अंग पर साल लगाया है क्या? अगर भाई यू स्पीक मराठी हिंदी गुड ना? 300 में जितना आता है उतना दे दो। ता चल फुट, कुपड़ी उल्टी है कि आमे तेरे, चल पा गया हंस से। ए गिव मी ना इन 300। यू वांट दिस? अरे ये क्या कर रहे हो, ये भी कोई बात करने का तरीका है? ड्रग्स ही तो मांगे है ना, दारू तो नहीं मांग रही हूँ, इतने सारे लोग। अयो मीनाक्षी अंकल सैरिया मुद्दु स्वामी पुत्त परति अय्यर, मीनाक्षी सूर्य अय्यर, मीनाक्षी एस, मीनाक्षी देशपांडे अय्यर। दिलबर बर टायर्ड ऑफ द शो बिजनेस एवरी इवनिंग, बट व्हाट टू डू, यू आर लकी, यू वांट टू गेट मैरिड, यू गो आउट ऑन द रोड एंड बार्क बार्क, वी ह्यूमन बीइंग नो सच चांस। Look at me, sari and all. Have to go. आपके कुत्ते वो कुछ करते नहीं, सिर्फ भोंकते रहते हैं। लो आइए आइए, आइए आप लोग बैठिए ना, वो आ रही है, तैयार हो रही है, जरा पानी लाओ। दहा नौ आठ सात सात पाँच चार। मीनाक्षी ये रही हमारी मीनाक्षी, और मीनाक्षी बेटी आप है माधव राजाध्यक्ष और आप है उनके माता पिता। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना प्लीज। देखिए इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। आप कौन से कॉलेज में थी? जी फर्ग्यूसन कॉलेज, बीए किया है मैंने। और वो कंप्यूटर का कोर्स भी तो किया है, टॉपर थी उसमें हमारी मीनाक्षी, पोहे लीजिए ना, इसी ने बनाए हैं। नो थैंक्स। वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है? जी पढ़ने का बहुत शौक है मुझे, मुझे किताबें अच्छी लगती है, नॉवेल्स शॉर्ट स्टोरीज। वैसे खाना पकाने का ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन रोज़ का खाना ठीक ठाक पका लेती हूँ। आपकी हॉबीज क्या है? हाफ शर्ट है, बनियन नहीं है, हाफ शर्ट है, बनियन। मेरी माँ है, उन्हें दिखाई नहीं देता, फिर भी बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। ओह इंटरेस्टिंग।